नमस्कार, मैं रमेश कुमार सैनी, आप देख रहे हैं राज न्यूज के दिन। आज मैं एक बार फिर पहुंचा हूं सीकर जिले के खंडेला विधानसभा के ग्राम पंचायत कोटरी में, और यहां पहुंचने की खास वजह है कि इसी घर के रहने वाले चार बच्चों के पिता महेंद्र हरिजन की 23 अप्रैल को करंट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। यहाँ के आसपास के लोगों ने प्रशासन से, बिजली बोर्ड से भी मांग की थी कि इनके परिवार में एक मात्र कमाने वाले थे। जैसे तैसे सब लोगों ने प्रयास किया, लेकिन अब तक इस परिवार को ना तो कहीं से कोई सहायता मिली है। जानने की कोशिश करेंगे, लगातार हमें भी सूचना मिल रही थी। आज यहाँ पे जो समाज के इनके लोग हैं, सरपंच जी हैं, यहाँ के समाज सेवी हैं, वो पहुँचे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि इस परिवार में चार छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें अभी पता भी नहीं है कि उनके पिताजी कहाँ हैं। आज लगभग उस घटना को 15-20 दिन हो चुके हैं। परिवार के पास फोन पे नहीं होने की वजह से सहायता करवाने के लिए नहीं आ सके थे। आज कल ही इनका फोन पे शुरू हुआ है। अगर आपने इस परिवार के बारे में सुना होगा तो आप इस परिवार की जरूर सहायता करें। इस परिवार में उसी जगह पे काम पर गया है, वो कति साफ काम कब की घटना थी और कब सूचना लगी थी आपने? 23 तारीख की 9 बजे का टाइम, 8 बजे ड्यूटी पर काम कर रहा था। परिवार में अब जिम्मेदारी आपके आ गई, आप काफ़ी ज़्यादा वर्क भी लगते हो, कैसे बच्चों का जीवन यापन है? जीवन कैसे होगा, हम तो बेरोजगार हैं, घर पर बैठे रहते हैं। अब तक कोई सहायता कहीं से मिली आपको? मिली नहीं है। आश्वासन मिला है? हाँ, जरूर मिला कि आपको दी जाएगी। आपकी ही ग्राम पंचायत का ये परिवार है, परिवार पहले से कैसे थे? पहले भी गरीब आदमी थे जी, वे सफाई कर, गाँव में सफाई करके अपना पालन पोषण कर गए। अब वो बेचारा खत्म हो गया है, दादाजी है वो सरकार के सफाई गाँव में जाते लगाते हैं, खेत करते हैं। अब वो पेपर वाला ही नहीं रहा। कितने बच्चे हैं इनके? इनके दो बच्चे, दो बच्चा है। जो लोग अपना वीडियो देख रहे हैं उन्हें क्या कहोगे? हम तो यही कहेंगे कि भाई जो इसकी सहायता जितनी ज़्यादा की जा, तो गरीब आदमी अपनी ये विधवा हो गई बेचारी, बिल्कुल सही। ये तो बाल बच्चों किस पाल सकती है, इसके हम जो बड़ा पाल संकट हो गया। सरकारी जो लाभ है सरकार से, वो आप दिलाने की चेष्टा करें? करेंगे कोशिश, तो हम जब आयुष्मान से ये जो भी मिलता है वो करने कोशिश करेंगे। जनता जनार्दन है, अगर जनता का ये सहयोग हो जाए तो एक परिवार को बड़ा ही नहीं है पूरा गांव के, जिससे आराम से जीवन यापन हो सकता। हाँ, महेश जी, जब भी कहीं पे शुरुआत करते हैं आप हमेशा साथ रहते हो। आपने आज से 15 दिन पहले भी कोशिश की थी कि परिवार की सहायता, वो फोन पे नहीं हो पाया था जी। क्या कहोगे परिवार की घटना कैसे? मैं तो यही कहूँगा सर आपको कि ये गरीब परिवार है, चार बच्चे हैं, पालन पोषण करने वाला कोई है नहीं। ये इसके दादाजी हैं, बूढ़े हैं, इनके कमाने का कोई स्रोत नहीं है। तो जनता से अनुरोध है, सभी से अनुरोध है कि थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो आराम से इस परिवार का पालन पोषण हो सकता है। तो मेरा तो यही कहना है कि सभी थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, जिससे इनका सहयोग हो सके। कौन सी गांव के रहने वाले हैं और फोन पे नंबर है वो क्या इनके तरीके हैं? ये ग्राम पंचायत कोटरी के रहने वाले हैं। फोन पे खत्म हो गया, इसकी नहीं होता इस परिवार का। दो चार चार बच्चे हैं जो अब इनके दादाजी और इनकी माताजी जो विधवा महिला है, वो अब गांव में ही सफाई का काम करके पहले से जीवन यापन करते हैं। गरीब परिवार था, अब दुखों का पहाड़ तो कई सालों से चल रहा है कि हरिजन परिवार है वो गांव में बेहद गरीब होते हैं, जैसे तैसे गाँव में सफाई करके जीवन यापन करते हैं। और इनके जो बच्चों के पिताजी हैं, अब इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारी जिम्मेदारी है वो अंधकार में जाती हुई नजर आ रही है। यही घर है महेंद्र जी के, 3 मकान हैं, आप देखेंगे 3 भाई हैं वो इसमें रहते हैं। सब भाई हैं, वो मजदूरी का ही काम करते हैं और सब अलग अलग ही रहते हैं। तो देखेंगे आप, दो चार बच्चे हैं, इन चार बच्चे महेंद्र जी के हैं। ये बूढ़ी दादी जी हैं और ये जो विधवा चाची जी हैं। आज लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं इस परिवार को। परिवार के दुख तो शब्दों में बयां होता नहीं है। हमने सोचा कि क्यों ना इन छोटे छोटे बच्चों को कुछ आर्थिक सहयोग मिले, ताकि ये भी है अपने आगे का जीवन है वो सफल कर सके।
लगातार परिवार ने संपर्क किया लेकिन फोन पे नहीं होने की वजह से हम नहीं पहुंच पाए। अब तक मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपनी इच्छा अनुसार सहयोग करें ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर कुछ नाम रोशन करें। कि कहाँ पे वो कमाने के लिए गए थे और कतिक साल से जा रहे हैं काम पर तो जी के काम कर रहा बटे करंट लग गए तो भाई कुछ सहायता मिल रही है वो बिजली बोर्ड से कितना दिन होगा आज 17 दिन हो गया। परिवार है अब बच्चा भी जीवन यापन का माहौल कौन है था कोई कौन बच्चा ही कुछ सिंपल है गरीबी में जीवन यापन मजदूरी करी जीवन यापन। जब ये घटना हुई थी परिवार के जो कमाने वाले थे वो करंट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। मौत होने के बाद इनके जो पिताजी हैं चार बच्चों के वो इस दुनिया से चले गए। जैसे ये समाचार परिवार को लगा परिवार का रो रो कर बुला रहा है। आज 17 दिन उस घटना को हो चुके हैं। चाची जी है अब चाची जी और इनकी जो दादी जी हैं सबको एक ही चिंता सता रही है कि आखिर जो ये चार बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे अब ये कहाँ पढ़ेंगे कैसे इनका जीवन यापन होगा। इनके पिताजी गांव में 500-400 रुपये कहीं मजदूरी करके इनके लिए कुछ लेके आते थे तब जाके परिवार का है और जीवन यापन होता था। चाची जी मैं पूछना तो नहीं चाहूँगा लेकिन जो खाता नंबर है वो आपके ही है। अब बच्चा को जीवन यापन का हिसाब कोई खतरा से कोई सहायता हुई कत्ता बच्चा ही था गया और तुम कुछ ही पढ़ गए थे और आप क्या लगते हैं अब काबरा को जीवन यापन का है जीवन यापन जैसे आ गए आपके जो खाता नंबर है वो कौन से और ये खाता नंबर है वो किस क्या है क्या नाम है तो महेंद्र जी कौन है 83-96-53-55 ये फोन पे नंबर पे आप मम्मी के आपके भाई बहन है वो कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं कौन से स्कूल में पढ़ते हो प्राइवेट में पढ़ते हो अब कैसे जीवन है अपना कौन कमाता था घर में अब क्या प्राइवेट में पढ़ोगे या सरकारी में प्राइवेट में पढ़ना चाहते हो पीछे है सब भाई बहनों छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी इच्छा है कि ये भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ें अच्छी शिक्षा मिले। अब इनके पिताजी को तो अपन वापस ला नहीं सकते लेकिन अगर अपन लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे इस बुरे समय में तो इनको कुछ आर्थिक संबल मिलेगा ये भी पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन जरूर करें।